हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा टोरंटो नेशनल और एडमोंटन रॉयल्स के बीच में होने वाला कनाडा T20 मैच का T20 लीग का तीसरा मैच। तो फ्रेंड्स, इस मैच का मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं दोनों टीमों की, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। सबसे पहले अगर टोरंटो नेशनल की बात करें फ्रेंड्स, ये मैच सेम ग्राउंड पे खेला जाएगा। एक दो मैच में दोनों हाई स्कोरिंग गेम हैं, तो इस मैच में भी 190 से 200 तक स्कोर बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं टोरंटो नेशनल की। तो जॉनसन चार्ल्स विकेट कीपिंग करेंगे और साथ में ओपन करेंगे। रोहन मुस्तफ़ा जो कि पिछले मैच में नहीं अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि वीजा इन यूएई के प्लेयर्स को कुछ प्लेयर्स को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो लोग अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इस मैच में अवेलेबल हैं, तो आज का मैच खेलने के लिए तैयार हैं। तो रोहन मुस्तफ़ा जो कि यूएई के कैप्टन है, वो ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं जॉनसन चार्ल्स के साथ। उसके बाद स्टीवन स्मिथ, फिर एंटन डेविच, किरॉन पिलार्ड, डेरेन सैमी जो कि कैप्टेंसी करेंगे, नीतीश कुमार या निजाकत खान में से कोई एक खेलेगा। निजाकत खान पिछले मैच में ओपन किए थे, लेकिन कुछ खास परफॉर्म इन्होंने कर नहीं पाए थे और जल्दी आउट हो गए थे, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार खेल लें, क्योंकि ओपन जो है वो अब रोहन मुस्तफ़ा करने वाले हैं। तो ये दोनों में से कोई एक खेलने वाला है। उसके बाद मोहम्मद नावीद या उमर गनी में से कोई एक, और मोहम्मद शमी जो कि अवेलेबल हैं, तो आज का मैच खेलने के लिए तैयार हैं, और केसरिक विलियम्स। तो ये है फ्रेंड्स टोरंटो की प्रोबेबल 11। वहीं बात करें जो रिस्की प्लेयर हैं, वो नीतीश कुमार और निजाकत खान, वहीं मोहम्मद नावीद और उमर गनी, ये दो प्लेयर रिस्की हैं, बाकी के जो प्लेयर हैं तकरीबन सेफ हैं। अब बात करें फ्रेंड्स एडमोंटन रॉयल्स की प्रोबेबल 11 की। तो पहला मैच है, तो थोड़ा प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट प्लेइंग 11 दूँ। लुई क्रॉन्ची जो कि विकेट कीपिंग करेंगे और ओपन करते हुए नजर आएंगे आपको, जो कि बहुत ही एग्रेसिव बैट्समैन है T20 के लिए। उसके बाद एंड्रे फ्लेचर, ये भी ओपन करेंगे। उसके बाद फरहान बहरदीन, उमर अकमल, फ्रेंड्स इनके अवेलेबिलिटी पे कोई अभी तक न्यूज़ नहीं आया है, हो सकता है कि ये खेल भी लें। अगर अवेलेबल रहेंगे तो ज़रूर खेलेंगे, अगर नहीं अवेलेबल रहें तो फिर डाउटफुल है। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक इनके अवेलेबिलिटी पे न्यूज नहीं आया, तो डाउटफुल ज़रूर हैं, तो आप इनको ग्रैंड लीग में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज सेफ अगर जाना चाहते हैं तो इनको ना रखें। वहीं शाहिद अफरीदी कैप्टेंसी करेंगे, जो कि अवेलेबल हैं इस मैच के लिए। वैन पैरनल भी पहुँच चुके हैं, तो ये भी खेलेंगे। सोहेल तनवीर, हसन खान, अहमद रजा, मोहम्मद इरफान और सतसिमरनजीत ढींडसा या फिर आगा सलमान में से कोई एक। तो फ्रेंड्स, ये पहला मैच है एडमोंटन रॉयल्स का, तो थोड़ा प्लेइंग 11 में एक दो प्लेयर मिस हो सकते हैं, लेकिन जो सेफ प्लेयर हैं बता दूं, रॉन्ची, फ्लेचर, बहरदीन, शाहिद अफरीदी, परनेल, सोहेल तनवीर और हसन खान और मोहम्मद इरफान, ये कुछ प्लेयर हैं जो बिल्कुल सेफ है, तो आप इनको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब आइए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। मैंने ऑलरेडी टीम बना रखा है फ्रेंड्स, ये मैं स्मॉल लीग के लिए टीम बना रहा हूँ। अगर आपको ग्रैंड लीग के लिए टीम बनाना हो तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपके पास दो ऑप्शन है, लुई क्रॉन्ची और जॉनसन चार्ल्स, दोनों ही ओपन करते हैं और दोनों ही बहुत ही एग्रेसिव बैट्समैन हैं, तो मैंने लुई क्रॉन्ची को रखा है। देख सकते हैं आपको, सिर्फ इनको 37% लोगों ने रखा है, क्योंकि क्रेडिट हाई है, जिसकी वजह से लोग इनको नहीं रख पाए हैं। अगर आप जॉनसन चार्ल्स को रखना चाहते हैं तो ये भी बड़े ही एग्रेसिव बैट्समैन हैं, आप इनको रख सकते हैं। वहीं बात करें बैट्समैन में, तो मैंने चार बैट्समैन, स्टीवन स्मिथ, फरहान बहरदीन, डेरेन सैमी और एंड्रे फ्लेचर, ये चार बैट्समैन को मैंने पिक करा है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, उमर अकमल, थोड़े से रिस्की ज़रूर हैं, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं है इनके अवेलेबिलिटी पे, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। वहीं शमीम अनवर थोड़े से डाउटफुल हैं। निजाकत खान ये भी डाउटफुल है, क्योंकि पिछले मैच में ओपन किए थे, लेकिन इस मैच में रोहन मुस्तफ़ा आ गए हैं, तो इनका खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। और नीतीश कुमार और निजाकत खान में से कोई एक खेलने वाला है, तो आप इन दोनों प्लेयर को स्किप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं बात करें फ्रेंड्स ऑलराउंडर्स की, तो मैंने तीन ऑलराउंडर, शाहिद अफरीदी, एंटन डेविच और रोहन मुस्तफ़ा, ये तीनों को मैंने पिक कर लिया। रोहन मुस्तफ़ा जो कि स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं और ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे, इसलिए मैंने इनको रखा है। किरॉन पोलार्ड को भी आप रख सकते हैं, लेकिन क्रेडिट थोड़ा हाई है, इसकी वजह से मैंने इनको नहीं रखा। वैन पैरनल भी आपके पास एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई ऑलराउंडर्स की बात। अब आइए बात करते हैं फास्टर बॉलर्स की। तो मैंने तीन बॉलर, मोहम्मद इरफान, निखिल दत्ता और हसन खान, ये तीन को मैंने पिक किया है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है फ्रेंड्स, सोहेल तनवीर, मोहम्मद शमी, केसरिक विलियम्स और अहमद रजा, ये चार बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आप इन चारों में से किसी को भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हसन खान थोड़े से डाउटफुल हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो हसन खान को स्किप करके इन चारों बॉलर में से किसी एक को आप रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्रेडिट मैनेज करना पड़ेगा, तो इन
ऑलराउंडर्स में से, या फिर आपको विकेट कीपर जो मैंने लुई क्रॉन्ची को रखा है आप उनकी जगह पे जॉनसन चार्ल्स को रखना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है, अगर लुई क्रॉन्ची को रखना है तो थोड़ा सा परेशानी होगी टीम बनाने में, वहीं जॉनसन चार्ल्स को रखेंगे तो आप आसानी से टीम बना पाओगे। तो फ्रेंड्स आइए अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन मैंने एंटन डेविज को रखा है जो कि पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था इन्होंने, तो फिर से मैंने इनको कैप्टन बना दिया। और वाइस कैप्टन रॉन्ची को रखा है जो कि ओपन करने आएंगे। यहाँ से आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, आप स्मिथ को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या फिर शाहिद अफरीदी भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो फ्रेंड्स ये आज की टीम, आइए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। लुई क्रॉन्ची, स्टीवन स्मिथ, फरहान बहरदीन, एंड्रे फ्लेचर, डेरन सैमी, एंटन डेविस, शाहिद अफरीदी, रोहन मुस्तफ़ा, निखिल दत्ता, हसन खान और मोहम्मद इरफान। तो फ्रेंड्स ये है आज की मेरी ड्रीम इलेवन टीम। जरूरी नहीं जो मैं टीम बनाएं उससे आप जीते हैं, तो एक दो चेंजेज अगर करना चाहते हैं तो कर लें ज़रूर, और कैप्टन और वाइस कैप्टन खुद की च्वाइस से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।